हेलो स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों के लिए मैं एक यूनिट लेकर आया हूं, एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी, शिक्षा में सांख्यिकी। तो उसे हम प्रारंभ करने वाले हैं आज से। तो उसका पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, देखिए ये क्या है कि जब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए किसी कक्षा के अंदर कोई एक आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, टेस्ट के अंदर बच्चों के मार्क्स आए, और उस क्लास के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और आपको देखना है कि कौन से सेक्शन ने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस की है। तो टेंथ में से जब आपने और दोनों ही क्लासेस के अंदर छात्रों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन जब बेटर किसने परफॉर्म किया इसको निकालने के लिए आपको उनके जो टेस्ट लेने के बाद में जो मार्क्स आए, अब दोनों ही कक्षा में ऐसा कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर होगा जिसके 10 out of 10 आए होंगे, दोनों ही सेक्शन के अंदर ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होगा जिसके 0 भी आए हों या बहुत कम मार्क्स आए हों दोनों क्लासेस के अंदर। तो इसे एक एक स्टूडेंट के मार्क्स के आधार पर निकालना तो बहुत मुश्किल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि हम उसका एवरेज ले सकते हैं। एवरेज लेना भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, पूरे डाटा है, पूरे डाटा का बिल्कुल बीच का, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल केंद्र का मान निकालना वो उन डाटा को परिलक्षित करता है, बताता है, उसको रिप्रेजेंट करता है उन डाटाओं को। जैसे हमारे एमएलए हमारे उससे जो उसका जो लोकल एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से वो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है, मान है, एक एवरेज है, वो उन सारे डाटाओं को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोनों ही क्लासेस के हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हम कर सकते हैं। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी के मान कितने प्रकार से निकाले जा सकते हैं, अभी अभी आप लोगों ने कहा कि एवरेज, औसत, यस, कोई भी डाटा दिए हुए हैं उनका औसत निकालना है, औसत। तो ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का मान है, आप औसत निकालें, औसत, एवरेज। इसके अलावा भी और भी कई तरीके होते हैं, हम आपके इस कोर्स के अंदर औसत है, औसत को एक दूसरा नाम दिया हुआ है, या माध्य, माध्य मीन। हम एक और तरीका निकालते हैं माध्यिका, माध्यिका बिल्कुल सेंटर वाले, मीडियन। एक और तरीका निकालते हैं हम बहुलक, मोड। तीन प्रकार से, तीन तरीकों से हम किसी भी डाटा के बिल्कुल सेंट्रल टेंडेंसी को, केंद्रीय प्रवृत्ति को हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। हम करते हैं, देखिए हम इन तीनों ही मीन, मीडियन, मोड तीनों को समझने का प्रयास करते हैं छोटे छोटे एग्जांपल से, उसके बाद में हम डिटेल से इनको समझने जाएंगे। अभी आज हम डिटेल से नहीं समझ रहे हैं, आज हम केवल इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं मीन, मीन क्या है, माध्य। मान लीजिए किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स का आपने मैथ्स का टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, उनके जो मार्क्स आए 10 स्टूडेंट्स के, वो मार्क्स इस प्रकार से हैं, मार्क्स एक किसी का आया, किसी के 2 मार्क्स आए, किसी के 0 आया, किसी के 9 आया, फिर 9 आया, फिर 9 आया, किसी का 8 आया, किसी का 7 आया, किसी का 10 आया, कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 8 मार्क्स और किसी के आए, ठीक है। इस प्रकार से माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है माने एवरेज निकालना है, एवरेज, औसत। औसत आप जानते हैं राशियों का योग, राशियों का योग
बटे राशियों की संख्या, इन सब का टोटल कर लो, 1 + 2 + 0 + 9 + 9 + 8 + 7 + 10 + 8 upon 10, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितना होता है देखते हैं, 1 और 2 3 9 3 27, 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 और 16 56, 56 और 7, 7 और 8 56, 7 और 9 63 बटे 10, ठीक है, 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.3, ये इसका आया माध्य। हम इसके माध्यिका निकालने का प्रयास करते हैं, ये हमने एक निकाला माध्य, माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका, माध्य तो आ गया आपका 6.3, ये रहा, ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके माध्यिका अर्थात मीडियन, वो निकालने के लिए जितने भी आंकड़े हैं ना, ये जितने भी मार्क्स आए हैं, इन्हें एक लाइन में खड़ा कर दो, सबसे छोटा सबसे कम 0, 0 के बाद में 1, फिर 2, फिर 7, फिर 8 दो बार है, फिर 9 तीन बार है, फिर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। आप इसके बिल्कुल बीच वाला चुन लो, पहला हटाओ लास्ट का हटाओ, फिर दूसरा हटाओ फिर लास्ट हटाओ, तीसरा हटाओ सेकंड लास्ट, चौथा हटाओ, बीच में 2 आए, यदि 1 आता तो हम उसको लिख लेते, लेकिन 2 आए हैं, 2, 1 आता तो उसको माध्यिका होती है वो एक सिंगल, 2 आए हैं तो इन दोनों का मेल लेना पड़ेगा, 8 है दोनों तो 8 और 8 को जोड़ें, 2 का भाग दें अर्थात 8, आपकी माध्यिका आई 8। अब निकालते हैं हम बहुलक, बहुलक, बहुलक के लिए बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है, आपने पहले सीखा होगा बारंबारता सारणी, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे आप इन सारे जितने भी आंकड़े हैं ना इनको लिखेंगे, और कितनी कितनी बार आए उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखते हैं, 0 लेते हैं पहले, 0 कितनी बार आया, 0 इसमें एक बार आया, 1, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1, एफ, फिर 1, 1 कितनी बार आया, 1 बार आया, फिर 2, 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, फिर 7, 7 कितनी बार आया, 1 बार आया, फिर 8, 8 कितनी बार आया, 1 और 2 2 बार आया, तो ये फ्रीक्वेंसी है, फिर 9, 1 2 3 3 बार आया, 9 कितनी बार आया, 3 बार आया, फिर 10, 10 कितनी बार आया, 1 बार आया, टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना होगा, 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 ही संख्या है ना, 1 और 1 2 और 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10, ये एक है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, कौन सा है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, 1 1 1 है, 2 2 है, 2 1 है, ये 3 सबसे अधिकतम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 9 की है, तो आपका बहुलक मोड, बहुलक मोड क्या हो गया, 9। अब देखो आपके 3 मान आए हैं, माध्य निकाला दिस, माध्यिका निकाला दिस, और बहुलक निकाला दिस, 3 मान आए, तीनों की जरूरत क्यों पड़ती है, अब आप इन दोनों क्लास इस क्लास के अंदर आपने निकाला, ये क्लास बता रही है बहुलक निकालते तो बता रही है कि इस क्लास में 9 मानक आ रहा है, ये क्लास बता रही है एवरेज के आधार पर कि 6.3 आया, माध्यिका के अंदर 8, इसके इस क्लास की परफॉर्मेंस 8 जितनी है, तो क्या मानेंगे सही, माध्य निकालना चाहिए इन आंकड़ों के लिए,
या माध्यिका निकालना चाहिए या बहुलक निकालना चाहिए। चलिए हम एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए दो गांव हैं, दो विलेजेस हैं, विलेज ए और एक है विलेज बी। दो गांव हैं, किसी अथॉरिटी को इन दोनों गांवों में डेवलपमेंट करना है, लेकिन उसके पास अभी पैसा सिर्फ एक गांव में डेवलपमेंट करने का है या कुछ एड्स देने का है। तो जो गांव सब गरीब होगा उस गांव को उसको ऐड देनी है। तो कैसे पता करेंगे कौन सा गांव अमीर है, कौन सा गांव गरीब है? तो उन गांव में रहने वाले लोगों की एनुअल इनकम देखते हैं हम। पांच मेंबर इसमें रहते हैं और पांच ही विलेजर्स इसमें हैं, फाइव विलेजर्स इसमें हैं। इनकी एनुअल इनकम देखते हैं, एनुअल इनकम 15,000 है, फिर 20,000 है। एनुअल इनकम नहीं, मंथली इनकम ले लेते हैं, 25,000 है, फिर किसी की मान लो 15,000 है, फिर किसी की मान लो 20,000 है। ये पांच परिवार है, उनके मंथली इनकम है। इसमें किसी की 7,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की फिर 10,000 है और किसी की 1 लाख है, 10 लाख, 10 लाख। ये ज्यादा अमीर है। अब इसका मीन निकलते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे 20 20 40, 40 40 80, 90 95 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 4 5 9 45। इसका मीन निकालते हैं, 10 लाख और 15 5 20, 10 30, 10 लाख 30 हजार में भाग देंगे 5 का, 5 × 10 0, 5 × 30। इसकी एवरेज इनकम निकल के आई 19, मंथली 19,000। और इस गांव में हर फैमिली की एवरेज इनकम निकल के आई है 2,06,000। तो मीन देखने से लगता है, मीन से लगता है ये वाला गांव ज्यादा रिच है, ये वाला गांव कम है। हम देखते हैं मीडियन। मीडियन सबसे कम किसका है, उनको एक लाइन में लिखेंगे। तो पहले 15,000, उसके नीचे फिर 15,000, फिर उसके नीचे 20,000, फिर उसके नीचे 20,000, फिर सबसे नीचे 25,000। नीचे काटा, ऊपर काटा, ऊपर काटा, नीचे काटा, बीच वाला, तो 20,000। 20 के तो आई इस वाले विलेज की मीडियन। इसकी देखते हैं मीडियन माध्यिका। सबसे पहले 5,000, फिर उसके नीचे 7,000, फिर उसके नीचे 8,000, फिर उसके नीचे 10,000, फिर उसके नीचे 1,000। हटाया 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 8। तो इसकी मीडियन कितनी आई? तो गरीब कौन सा लगा इसको? ऐड। अब आप खुद सोच के बताइए कि ज्यादा ऐड, पहले ऐड किसको मिलनी चाहिए? इसमें ये जो है बहुत पुअर फैमिलीज है, इसमें ये सारे लगभग लगभग बराबर बराबर के एवरेज है। इन चारों को ऐड मिलनी चाहिए, नीड इनकी, इनको है ऐड की। नीड किसे है? इन्हें है। तो यहां पर उससे करना चाहिए। तो यहां पर मीन लेना, इन आंकड़ों के लिए मीन लेना ठीक नहीं है, इन आंकड़ों के लिए मीडियन लेना ठीक है। तो कभी कभी किसी किसी आंकड़ों के लिए हमें मीन लेना होता है, कभी कभी किसी प्रकार के आंकड़ों के लिए हमें मीडियन लेना होता है, और कभी कभी किसी प्रकार के आंकड़ों के लिए हमें मोड लेना होता है। तो ये कैसे पता लगेगा? यहाँ तो पांच पांच थे संख्या, तो हमने देख लिया, दोनों लेके देख लिया और कॉमन सेंस समझ लिया। लेकिन क्या मैथमेटिक्स भी है? मैथमेटिक्स में कॉमन सेंस तो चलता है नहीं है,
तो मैथमेटिक्स में कैसे पता लगेंगे कि किन आंकड़ों के लिए किन डाटास के लिए मीन लेना है, किन डाटास के लिए मीडियन लेना है, किन डाटास के लिए मॉड लेना है। तो ये हम आगे जाके समझेंगे जब हम मीन डेविएशन निकालेंगे। तो जब हम मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे तो मीन से भी मीन डेविएशन निकालेंगे, मीडियन का भी मीन डेविएशन निकालेंगे और मोड का भी मीन डेविएशन निकालेंगे। और निकालने के बाद में जिसका डेविएशन सबसे कम आएगा उन आंकड़ों के लिए वही परफेक्ट होगा, राइट। चलिए कल हम मीन समझ लेंगे ठीक से, पूरा डिटेल से। आज तो हमें खाली इंट्रोडक्शन लिया है मीन मीडियन मोड का, कल से हम मीन को अच्छे से पक्के से समझेंगे। धन्यवाद, सी यू टुमारो।